आई एम बैक। मेरा नाम गुलफान है और इफ़ यू रिमेंबर मी, एक समय पे मैं व्लॉग्स भी बनाता था, काफ़ी टाइम हो गया। तो कुछ महीनों पहले आफ्टर माई थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स मैं गया था एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे जो कि हमारे आसाम में ही है और गुवाहाटी से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। ये कौन सी जगह है? तो मैं गया था पानीमोर वाटरफॉल्स जो कि हमारे होजाई से 50 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पास यहाँ से उस लोकेशन तक जाने के लिए 3-4 ऑप्शंस थे। नंबर 1, बस से जा सकता था। नंबर 2, ट्रेन जो कि आपको गुवाहाटी स्टेशन से मिल जाएगा होजाई तक के लिए और वहाँ से आप आगे लोकल अकोमोडेशन यूज कर सकते हो। नंबर 3 जो कि मेरा फेवरेट ऑप्शन है वो है बाय रोड। तो आपको पता ही मैंने क्या चूज किया होगा। तो हम निकल पड़े अपने बाइक से होजाई के लिए। लेकिन होजाई हम लोग क्यों जा रहे हैं जबकि हमें पानीमोर जाना था। तो होजाई में हमारा एक दोस्त का घर है जो कि आदिल भाई पैराग्लाइडिंग, यू नो। वी आर लॉस्ट इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा हुआ मैं जल्दी निकला हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं। ये देखो क्या रास्ता दिखा रहा है, मतलब आगे रास्ता ही नहीं है। गूगल मैप शॉर्टकट के चक्कर में पेट्रोल भी बहुत कम हो चुका है। तो हाईवे मुझे दिख रहा है उस तरफ है लेकिन अब उधर जाना है, मैं फंस चुका। तो ये है आदिल भाई, इनको भूलिएगा मत क्योंकि कहानी में मेन कैरेक्टर यही है। तो शाम तक मैं होजाई पहुंच चुका था और बहुत सारे मुश्किलों के बाद, क्योंकि मैं इस तरफ कभी आया नहीं था बाइक लेकर। तो होजाई पहुंचने के बाद हम गए आदिल भाई के घर पे और वहीं पे आराम किए और शाम को आदिल भाई के साथ हम निकल गए थोड़ा होजाई घूमने आसपास में, थोड़ा कुछ खाने ट्राई करने। तो उस समय मैंने इतना कुछ व्लॉग नहीं किया। तो आपसे मिलते हैं डे 2 में। तो अभी सुबह के बज रहे 8:30। सीन ये था कि हम आए थे होजाई बाइक से, वो भी 170 किलोमीटर के आसपास चलाकर। तो 2-3 बार मैंने रास्ता भटक भी गया क्योंकि थैंक्स टू गूगल मैप ज़्यादा ही मैंने भरोसा कर लिया और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत अच्छा लॉन्ग कट मुझे लेना पड़ गया एडीएन। तो यहाँ हमारे आदिल भाई, हैप्पी बर्थडे। हाय गाइस, तुमने मुझे बताया नहीं कि वहाँ बर्थडे और मुझे बुला लिया। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे कल रात पता चला। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक अच्छे से एक डेस्टिनेशन, पानीमोर वाटरफॉल्स। काफ़ी नाम सुना है, मुझे बस चांस चाहिए बाइक चलाने, मतलब बहाना चाहिए। तो इसी बहाने हमने बाइक उठाया और यहाँ पहुँच गए। और कुछ हुआ भी तो था आते वक्त, बताया मैंने कहाँ। थैंक्स टू गूगल मैप। चलो आदिल भाई रेडी होते हैं और निकलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे राजू भाई तो कल मिले थे और काफी दोस्त हमने बनाए नए नए यहाँ पर। ये और एक कोई आने वाला, क्या नाम है, आदिल भाई का कोई रिलेटिव है, मतलब मेरा भांजा है, मैं उसका भांजा हूँ, वो मेरा मामा है। अभी देखो मेरा भांजा बोलता है, मेरे हम लोगों के एज का ही है। अच्छा अच्छा लड़का है। चलो तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर आके हम लोग ने थोड़ा चाय वाय पिया और यहाँ पे हमारे साथ जुरेश भाई भी आ गए, तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं और दो लोग हैं जो आएंगे। बारिश तो अभी शायद नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मतलब पानी का कलर जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है और जो तूने वीडियोस में देखा है वैसा नहीं होता है तो मुझे माफ़ कर देना। वो अब क्या करेंगे, वो तो नेचर के ऊपर है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं पानीमोर में। और अभी से 50 किलोमीटर के अराउंड का सफ़र है, पता नहीं रास्ता कैसा होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, हमारा एक और जो बंदा है वो आ रहा है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर और है पानीमोर वाटरफॉल्स। जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ा कुछ डेवलपमेंट है, इस बार तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और बहुत ज्यादा चेंज भी है। लगभग ये 4th टाइम है मेरा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद थोड़ी देर बाद वो खराब रास्ता शुरू होगा, रास्ता होगा, पर वो हम लोग लोकेशन तक पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट, पर रास्ता बहुत अच्छा है। चलो, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं और 3 किलोमीटर है। तो फाइनली अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं पानीमोर वाटरफॉल्स। तो काफ़ी सुंदर सा मतलब वाटरफॉल है, तो अभी आप लोग को दिखाते हैं अच्छे से, थोड़ा पास में जाकर बैठते हैं पहले। तो इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊं कैसे, वो जो फीलिंग है ना वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखा।
अभी हम पानीमोर वाटरफॉल्स के ठीक करीब है, लेकिन इससे भी और करीब जा सकते थे। पहले जाने मिलता था, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पे आने लग गए थोड़े ज़्यादा करके, यहाँ पे मतलब एक लाइन लगा दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो काफ़ी सुंदर है ये वाटरफॉल और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, पूरा ब्लू ब्लू है। ये आपका दिमासाओं में ही पड़ता है, ये कोपिली रिवर से ही ये कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर आके जो ये वाटरफॉल बनता है, तो ये इसको पानीमोर वाटरफॉल बोलते हैं। रील बन गया आदिल का, और ये ब्लॉग में नहीं आना चाहिए। ब्लॉग में आया रीलर, गाइस रीलर, ऐसा मत कर। यहाँ पे रील बना सकते हो, बहुत अच्छे लाइक्स मिलेंगे। अभी हम लोग वापस ऊपर आ चुके हैं अपने पार्किंग के पास। यहाँ से मैं अभी वापस चला जाऊँगा आदिल के घर। बाकी यही था पानीमोर वाटरफॉल। तो जाते वक्त आप लोग यहाँ से ना मतलब जितना हो सके जल्दी चले जाए, मतलब सनसेट से पहले, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना मतलब अभी बना ही है, तो उतना कुछ आसपास आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो अभी आदिल भाई पूछ कर खा रहे, तुम खाओगे? खाओ, तुम भी खाओ। अच्छा, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पेट खराब हो जाएगा मेरा। बैलेंस बन रहा है। सो दिस वॉज द व्लॉग ऑफ माई होजाई ट्रिप। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। और मेरे लाइफ में थोड़ा अभी अप्स एंड डाउन चल रहा है और काफी चीजें हो रहे हैं, लाइक वी विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम दिस हाउस। व्हेन आई विल बी कम्फर्टेबल लेटर इन माई लाइफ, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक कम्युनिटी बनाऊँ जिसके साथ मैं कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूँ, अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस दे सकूँ। अब तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लें, तो ये सब पे कभी और बात करेंगे। फिलहाल आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक कॉमेंट करना, एक लाइक करना और एक शेयर तो कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए काम चालू है। एंड हाँ, आई मिस यू गाइस, पीस आउट।